स्टार प्लस का नया शो पांड्या स्टोर एक नई कहानी के साथ ऑडियंस को एंटरटेन करने आ रहा है। शो में मेन लीड में नजर आएंगे एक्टर किंशुक महाजन और एक्टर शाइनी दोषी। गुजराती बैकग्राउंड पर बेस्ड इस शो में किंशुक जहां गौतम पांडे के किरदार में हैं, तो वहीं शाइनी दोषी उनकी पत्नी धरा पांडे के किरदार में नजर आने वाली है। शो की कहानी गौतम और उनके पुश्तैनी किराने की दुकान पर घूमती नजर आएगी जो सालों से गिर भी पड़ा है। शो में किंशुक के किरदार की कहानी तो काफी दिल को छू लेने वाली है, लेकिन क्या आप किंशुक की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं? जी हाँ, आज इस वीडियो में आपको किंशुक की अनोखी कहानी के बारे में बताने वाले हैं हम। किंशुक का जन्म 17 अप्रैल 1986 को दिल्ली में हुआ था। किंशुक का बचपन दिल्ली में ही बीता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करने के बाद किंशुक ने एक्टिंग सीखने के लिए एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नोएडा में एडमिशन लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद किंशुक ने एक्टिंग में अपना करियर बनाने की सोची और 2007 में वो दिल्ली से सपनों की नगरी मुंबई चले आए। देखने में बेहद ही स्मार्ट किंशुक ने शुरुआत में काफी पापड़ बेले, छोटे मोटे एड्स किए, कई बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की। इसी दौरान किंशुक ने 2007 में बॉलीवुड फिल्म दिल्ली हाइट्स से एक्टिंग में डेब्यू करने का मौका मिला। जिमी शेगिल और नेहा धुपिया स्टारर्स फिल्म में किंशुक का किरदार ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन करियर के शुरुआती सफर में ये फिल्म उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद किंशुक ने टीवी में साल 2007 में एंट्री ली शो काजल से। इसी साल किंशुक के हाथ एक और शो लगा जिसका नाम था भाभी। हालांकि इन दोनों ही शो में किंशुक को कोई खास पहचान तो नहीं मिली, लेकिन उनके एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। और 2008 में किंशुक के हाथ लगा सुपर हिट शो सपना बाबुल का विदाई। इस शो में किंशुक रणवीर राजवंश के रोल में नजर आए थे। किंशुक के इस किरदार को बेहद ही पसंद किया गया और टीवी इंडस्ट्री में वो एक नए स्टार बनकर उभरे। इस शो के बाद किंशुक चांद छुपा बादल में, सिलसिला बदलते रिश्तों का, अवसर बिटिया, तुम ऐसे ही रहना, नागिन 2, गठबंधन जैसे कई शोज में मेल लीड में नजर आए। आपको बता दें किंशुक ने साल 2011 में अपनी दोस्त दिव्या गुप्ता से शादी की थी और उनके दो बच्चे भी हैं, साइशा और साहिर। और अब एक बार फिर से किंशुक अपने नए शो पांड्या स्टोर से अपने फैंस को एंटरटेन करने आ रहे हैं। बात करें शो की तो खबरें हैं कि शो का फर्स्ट एपिसोड 25 जनवरी से रात 11 बजे के टाइम स्लॉट पर टेलीकास्ट किया जाएगा और ये शो स्टार प्लस के ही पॉपुलर शो लॉकडाउन की लव स्टोरी को रिप्लेस करने वाला है। वेल, अभी तक किंशुक ने टीवी पर कई शोज किए, उनमें अलग अलग किरदार देखने को मिले। ऐसे में अब देखना तो ये है कि पांड्या स्टोर शो में गौतम पांड्या किरदार निभाकर किंशुक इस बार कैसा कमाल करते हैं। आप इस शो में किंशुक को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।